जानते हो? अरे पेशेंट्स है क्या, मेडिकल स्टूडेंट्स भी, हर एक मेडिकल स्टूडेंट के पास इनकी लिखी हुई बुक है, और आपने कितने आसानी से बोल दिया ना कि सिर्फ पैसे कमाते हैं। छोड़ो मैडम, आप भी इनकी तरह हमारा ही खून चूसोगी। आप सब एक जैसे ही हो, बिना मतलब के टेस्ट करवाते हो, फिर लेबोरेटरी से अपना कट लेते हो, दवाइयों की कंपनी से पैसा लेकर उनकी दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हो, किडनियां बेचते हो किडनियां, और तो और डेड बॉडी को तब तक रिलीज नहीं करते हो जब तक तुम्हारे अस्पताल के बिल क्लियर नहीं हो जाते। ओ काका, तो टेस्ट कराने बंद कर दे, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना बंद कर दे। नहीं, ट्रीटमेंट कैसे कराओगे आप अपना? और ये सारा गुस्सा डॉक्टर्स के लिए ही है, पुलिस पॉलिटिशियन बड़े लोग के सामने ना मुंह नहीं खुलता होगा आपका। और जब ट्रीटमेंट कराने आते हो तब तो बड़ा हाथ जोड़ते हो, डॉक्टर साहब कहते नहीं थकते, और अगर डॉक्टर जान नहीं बचा पाता तो वो मार खाने लायक हो जाता है। पेशेंट की लाइफ और डेथ जब हमारे हाथ में होती है ना, तो ये फीलिंग सिर्फ स्ट्रेस देती है। मालूम है 80% डॉक्टर स्ट्रेस में है। ये सिर्फ नोबेल प्रोफेशन नहीं है, स्ट्रेसफुल प्रोफेशन भी है। और आपको लगता क्या है कि MBBS में ऐसे ही एडमिशन हो जाता है? 5.5 साल लगते हैं MBBS कंप्लीट करने में, और उसके ऊपर 3 साल का PG अलग, और कम से कम 10 साल लग जाते हैं अपना नाम कमाने में। ये बाबा ओझाओ को पैसे देने में बिल्कुल नहीं कतराते, लेकिन जब डॉक्टर की फीस देनी होती है तो इनकी लगती है। हाँ, कमाएंगे पैसा, जान भी बचाएंगे और पैसा भी कमाएंगे। हाँ, तो तुम डॉक्टर हो, कोई भगवान नहीं हो, और तुम लोग होते कौन हो जान बचाने वाले? इतना घमंड कोई ठीक नहीं है। घमंड नहीं है, प्राइड है। सब डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनते हैं, कुछ पागल भी होते हैं जिनसे दूसरों का पेन नहीं देखा जाता है। लेकिन ये बात आप जैसे बेवकूफ लोगों को समझ नहीं आई।